नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जून दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू नेता विजय चौधरी ने विरोधी दल के इस सवाल का दिया जवाब। सुशील मोदी ने पीएम पद के दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार पर कसा तंज। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने फिल्म आदि पुरुष पर कही ये बात। कांग्रेस नेता ने कहा अमित शाह जिन परियोजनाओं को गिनवा रहे वह भी कांग्रेस सरकार की देन। तेजस्वी ने तमिलनाडु में सुनाया सीएम नीतीश का संदेश। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। जदयू नेता विजय चौधरी ने विरोधी दल के सवाल का दिया जवाब। बिहार में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर चल रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा, जहां लगातार विपक्षी एकता को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां देखने को मिल रही। वहीं बिहार में बैठे विपक्ष लगातार पीएम फेस सामने लाने की मांग कर रहे। विरोधी दलों का कहना है कि पीएम फेस कौन होगा उसे सामने लाने के बाद ही विपक्षी एकता की बैठक करे। अब इसे लेकर जदयू नेता विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजनीति की रणनीति बनाने के लिए देश के तमाम विपक्षी नेताओं की 23 जून को पटना में होने वाली बैठक एक ऐतिहासिक घटना है। यह पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक गौरवशाली क्षण है। इससे मालूम पड़ता है कि देश भर की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कितनी विश्वसनीयता है। आगे उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को लगता है कि देश में पीएम पद पर वैकेंसी नहीं है, उन्हें हम विपक्षी एकता के माध्यम से पीएम की वैकेंसी से अवगत कराएंगे और फिर पीएम बनवाएंगे। हम पहले वैकेंसी बनाते हैं, उसके बाद चेहरा तय करते हैं और इसके लिए हमारे पास भरपूर समय है। पूरे देश के लोग नीतीश कुमार पर भरोसा कर रहे हैं। नीतीश का तमिलनाडु दौरा रद्द होने पर बीजेपी ने कसा तंज। बीते ही दिनों नीतीश कुमार का होने वाला तमिलनाडु दौरा रद्द कर दिया गया था। इसकी जानकारी देते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने बताया कि यह दौरा सीएम नीतीश कुमार के अचानक तबियत बिगड़ने की वजह से रद्द करना पड़ा। अब इसके बाद बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश के अचानक बीमार होने का समय गंभीर संदेह पैदा करता है कि विपक्षी एकता के नाम पर उनके द्वारा किए जा रहे स्वयंभू राजनीति और दुस्साहस पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जरूर चेतावनी दे दी है, जिससे परेशान होकर वे बीमार पड़ गए हैं या फिर बीमारी का बहाना बना लिया होगा। जेपी नड्डा का बिहार दौरा हुआ रद्द। 23 जून को होने वाले विपक्षी बैठक के जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जून को बिहार आने वाले थे, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि उनका 24 जून को होने वाला बिहार दौरा रद्द कर दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की तरफ से सामने आई है, लेकिन अब जेपी नड्डा बिहार कब आएंगे इसे लेकर कोई भी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही बिहार दौरे की तारीख तय कर लिए जाएंगे। भाजपा प्रभारी ने बिहार दौरा रद्द होने की वजह बताते हुए कहा कि जेपी नड्डा को किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत पड़ रही है, जब वे वहां से लौटेंगे उसके बाद ही वे बिहार आएंगे। सुशील मोदी ने पीएम पद के दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार पर कसा तंज। 23 जून को होने वाले विपक्षी एकता की बैठक से पहले बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी लगातार विपक्षी दलों पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार को दुल्हा बताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने खुद दुल्हा है, न किसी दूसरे दुल्हे का नाम तय है, फिर भी उन्होंने बारातियों को मुख्यमंत्री आवास में इकट्ठा होने के लिए न्योता भेज दिया है। अब कहा जा रहा है कि बारात दरवाजे लगने के बाद यानी चुनाव परिणाम के बाद जब दुल्हन जयमाला लेकर आएगी तब उसका चेहरा देखकर बारातियों में से ही कोई दुल्हा बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी एकता की बैठक सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। देश की जनता जानना चाहती है कि विपक्षी पार्टियों में कौन नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा होने की क्षमता रखने वाला नेता है, लेकिन जब देश की जनता दुल्हे का नाम जानना चाहती है तब विपक्ष बैंड बाजा बाराती की बातों में लोगों को उलझाए रखना चाहता है। बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह पर 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम कर रहे। इसी कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने बिहार के शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब जेल में बंद है और माफिया लोगों से पैसे लूटने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि इससे सरकार को 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। जो पैसे सरकार के पास आने चाहिए उसे माफिया लोग बैठकर लूट रहे हैं। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में 3 काम अच्छा हो रहा है, पहला बालू का अवैध खनन, दारू का अवैध धंधा और जमीन का कारोबार, ये तीनों धंधे खूब फल फूल रहे हैं। गीता प्रेस को लेकर विपक्षी दलों के विरोध पर बिहार राज्यपाल ने कही ये बात। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर अब बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर का रुख सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर जन जन तक पहुंचाने में गीता प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 100 वर्षों से सनातन संस्कृति के वाहक इस संस्था को गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर विरोध के स्वर उठा रहे हैं। यह विरोध सनातन संस्कृति पर आघात है।
23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की मीटिंग पर केजरीवाल ने कही ये बात। बिहार की राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स का चलन बहुत पुराना है। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने वाले अरविंद केजरीवाल के स्वागत में पटना की सड़कों पर पोस्टर लगे दिख रहे हैं। इस पोस्टर में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं की तस्वीर भी लगी है। पोस्टर में यह लिखा गया है कि देश के लाल अरविंद केजरीवाल का बिहार की क्रांतिकारी धरती पर स्वागत और अभिनंदन है। बता दें कि विपक्षी एकता की बैठक पर केजरीवाल द्वारा कहा गया है कि मुझे उम्मीद है कि 23 जून को जो बैठक होने वाली है उसमें सभी पार्टियां कांग्रेस से कहेंगी कि वे दिल्ली को लेकर केंद्र द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना रुख स्पष्ट करें। 23वें ने तमिलनाडु में सुनाया सीएम नीतीश का संदेश। तबियत बिगड़ने की वजह से नीतीश तो तमिलनाडु नहीं पहुंच पाए, लेकिन नीतीश का संदेश लेकर 23वीं वहां पहुंचे, जहां उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के सामने सीएम नीतीश का पत्र पढ़ा और बताया कि आप सब अवगत है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब भाग ले रहे हैं। हम विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि अगर अधिकांश विपक्षी दल एकजुट होंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकेंगे। सपा का बीजेपी पर पोस्टर वॉर। बिहार में होने वाले विपक्षी एकता से पहले पोस्टर वॉर होना शुरू हो गया है। जहां केजरीवाल का पोस्टर बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला, ठीक वैसे ही अब सपा का पोस्टर भी अब सामने आया है। पोस्टर में पटना को रघुवरपुर घोषित कर बीजेपी मुक्त भारत की चर्चा की गई है। अक्सर बीजेपी विशेष धर्म और श्रीराम को लेकर राजनीति करती नजर आती है। इसे लेकर पोस्टर में राम पॉलिटिक्स के खात्मे की बात कही गई है। साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता मोदी, शाह, योगी और एकनाथ शिंदे को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से भागते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ पोस्टर में मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार बढ़ते दंगों की ओर इशारा करते हुए एक दंगाई के रूप में उन्हें दिखाया जा रहा। अखिलेश यादव इस पोस्टर में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ भी देखे जा सकते हैं। दोनों के तस्वीर में बीच में अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए लिखा गया है कि अखिलेश यादव जी का बुद्ध की धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजधानी पटना में राजनीतिक नेताओं के बीच दिखी योग दिवस की लहर। आज हर जगह 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा। योग दिवस की लहर राजधानी पटना में भी राजनीतिक दलों के बीच देखी गई, जहां बिहार से भाजपा के कई दिग्गज नेता योग करते दिखे। इसका अभ्यास पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पतंजलि योग पीठ के तरफ से हुआ, जहां बीजेपी से सुशील कुमार मोदी, विनोद तावड़े, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद और मंगल पांडे सहित कई नेता मौजूद थे। योग अभ्यास शुरू करने से पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने योग शिविर का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कांग्रेस नेता ने कहा, अमित शाह जिन परियोजनाओं को गिनवा रहे वह भी कांग्रेस सरकार की देन। बीजेपी के सत्ता में आए पूरे 9 साल हो चुके हैं, इसे लेकर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित अपने काम और उपलब्धियों को गिनवा रही। अब इस पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि सिरसा रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने जो परियोजनाएं गिनवाई है वह उनकी सरकार की देन है। उन्होंने बताया कि 9 साल के बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो 4 परियोजनाएं गिनवाई वो हमारी सरकार की है। आगे उन्होंने उन संस्थानों के शिलान्यास के फोटो जारी करते हुए कहा कि बढ़ासा एम्स तो परिसर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कांग्रेस सरकार की देन थी और इसका शिलान्यास जनवरी 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। विपक्षी बैठक में नीतीश के मायावती की पार्टी को निमंत्रित नहीं करने पर मायावती ने कही ये बात। पटना में 23 जून को नीतीश कुमार ने कई विपक्षी दलों को महाबैठक के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन इस बैठक में उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी मायावती की बसपा पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं गया है। इसे लेकर अब बसपा के सांसद मलुक नागर का बयान आया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के बगैर विपक्षी एकता सफल नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को लगभग 13% वोट मिले थे। उन्होंने बताया कि बसपा यहां मजबूत जनाधार है, बसपा लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दे सकती है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने फिल्म आदि पुरुष पर कही ये बात। बिहार में बीजेपी से नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर गए हुए हैं। यहां उन्होंने विवादों में चल रही फिल्म आदि पुरुष पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज देश के अंदर फैशन हो गया है, भारत की देवी देवताओं से मुंह से जो बुलवा दो, अगर हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म पर इस तरह के कटाक्ष करे, किसी में हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनको भी गाली देना होता है वो कभी पी के बना देते हैं और कभी सी के बना देते हैं, कभी हमारे देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं, ये बहुत हो गया है। भारत में सनातन को जिस ढंग से तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा अब ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है।
सपा नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने विपक्षी एकता को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी को हटाने के लिए पूरे देश की सभी सेक्युलर पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। बीजेपी को अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से हटा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा करते हुए उन्हें बड़बोला कहा और बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने विभाग भी नहीं चला पा रहे, विभाग में किसी की सुन नहीं पा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद तो वह चुनाव हार गए थे, जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। विपक्षी पार्टियों ने इस वजह से पीएम मोदी को लिखा पत्र। कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में मणिपुर हिंसा की चर्चा की गई है, जहां विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि मणिपुर हिंसा को रोकने में केंद्र सरकार विफल रही है। पत्र में 110 से अधिक लोगों के मारे जाने की चर्चा है और कहा गया है कि यहां से हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने मणिपुर के सीएम एन बिडेन सिंह को वर्तमान जातीय हिंसा का वास्तुकार भी बताया और कहा कि यदि उन्होंने निवारक उपाय और त्वरित कार्रवाई की होती तो संघर्ष को टाला जा सकता था। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है रोहित अहिड, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, बलीराम पटेल, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विपक्ष में पीएम उम्मीदवार का सबसे बेहतरीन चेहरा कौन हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।